हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने छोटे बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाया है। क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए है इसलिए इसका नाम मैंने रखा है मिनी पिज़्ज़ा। और इसमें मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली हैं, खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट है। तो चलिए बनाते हैं मिनी पिज़्ज़ा। इसके लिए हमें चाहिए 6 चम्मच मलाई, 2 चम्मच कटी हुई प्याज, 2 चम्मच घिसी हुई गाजर, 2 चम्मच उबली हुई कॉर्न, 2 चम्मच कटा हुआ टमाटर, 2 चम्मच कटे हुए शिमला मिर्च, 2 चम्मच घिसा हुआ पत्ता गोभी, नमक स्वाद अनुसार, टोमेटो एंड चिली सॉस, 3 से 4 चम्मच सूजी, 4 ब्रेड स्लाइस, 2 चम्मच बटर। सबसे पहले मलाई को हम मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर इसमें हम सूजी मिक्स करेंगे। सूजी हम उतनी ही डालेंगे जिससे मलाई इसमें बस गाढ़ी हो जाए। अगर इसमें 3 चम्मच ज़रूरत है तो हम 3 चम्मच ही डालेंगे, और अगर हमें लगेगा थोड़ा सा भी गीला है तो हम 4 चम्मच डाल देंगे। अभी हमारी थोड़ी थिक हो चुकी है। अब हम इसमें एक एक करके सारी सब्जियां डालेंगे। सबसे पहले प्याज, गाजर, स्वीट कॉर्न, टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी। अब हम इन सारी सब्जियों को मिलाएंगे। इसमें हम नमक और थोड़ी सी काली मिर्च मिला देंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसे साइड में रख के टमाटो और चिली सॉस को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम सॉस को ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगाएंगे। छोटे बच्चों को तो सब्जियां खिलाना बहुत मुश्किल का काम होता है, बट अगर हम इस तरह से ट्राई करेंगे तो वो आसानी से खा लेंगे। इस तरह की हम और भी रेसिपी आपके सामने ले आएंगे। आपको अगर मेरी इन सारी रेसिपी की अपडेट चाहिए है तो आप प्लीज़ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर हम जो मिक्सचर है उसको हम अच्छे से लगाएंगे। तावे को हमने गैस पे भी चढ़ा दिया है उसे अच्छे से गर्म होने के लिए। तवा जब गर्म हो जाएगा उसमें हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे। फिर ब्रेड को हम सीधी रख के सेकेंगे और इसे हम तेज आंच पे ही सेकेंगे। बस जैसे ही देखेंगे थोड़ा हमारा पक गई है ब्रेड, हमें इसे पलट देंगे। और हमें गैस धीमी नहीं करनी है क्योंकि ये मलाई से बनी हुई है, मेल्ट हो जाएगी और तेज़ आंच पे फिर ये सूजी के साथ मेल्ट होके जो फटाफट उसमें ब्रेड में चपक जाएगी तो हमारा पिज़्ज़ा अच्छे से तैयार हो जाएगा। दोनों तरफ हम सेक लेंगे। दो से तीन मिनट लगेगा इसे सीखने में। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी बना के दे सकते हैं या फिर इसे इवनिंग स्नैक्स टाइम में भी बना सकते हैं। जब ये दूसरी तरफ हमारा थोड़ा सा लाल हो जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से सब्जियां हमारी क्रंची हो गई हैं, पक गई हैं। दूसरे वाले पिज़्ज़ा को भी अभी हम पलटेंगे। दूसरे साइड अब हम धीमी आंच करके ब्रेड को अच्छे से सेक लेंगे ताकि वो नीचे से थोड़ा क्रिस्प हो जाए। अभी हमारा पिज़्ज़ा बनके रेडी है। इसे हम बीच से कट करके सर्व करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह मेरी और रेसिपी की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।